बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स? आई एम मिस्टर सईदुल्लाह खान, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे आई ब्रॉट अ टॉपिक फॉर यू दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस, दैट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है आज इसमें हम सीखेंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, हमने फाइव काइंड सीख ली हैं। पर्सनल प्रोनाउन सीख लिए, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीख लिए, तीनों गए। फिर प्रीवियस लेक्चर में जो हमने लर्न किया था वो हमारे पास था, मीन्स आपका के रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक हो गया। इसके बाद हमने जो कल सीखे थे वो हमारे पास थे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अब जो हमारे पास टुडे आवर टॉपिक इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए, जो वर्ड है ना डेमोंस्ट्रेट की मीनिंग डेमोंस्ट्रेशंस भी होता है, डेमोंस्ट्रेशंस भी बोलते हैं, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन की डेमोंस्ट्रेशंस है। डेमोंस्ट्रेशंस यानी डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब होता है इजहार, जाहिर करने वाले। डेमोंस्ट्रेशन का ना मुजाहिरा, इजहार करना। यहाँ डेमोंस्ट्रेशन से मुराद इंडिकेट करना, किसी की तरफ इशारा करना। इशारा करने वाले प्रोनाउन उन्हें हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इशारिया प्रोनाउन्स भी कहलाते हैं। अलिफ से, ऐन से इशारिया नहीं, ठीक है, इशारे से इशारिया प्रोनाउन, जिनमें हम कोई ना कोई इशारा करते हैं, ऐसे प्रोनाउन्स होते हैं वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से हो सकते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, लुक इट हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहले मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज पहला जो हमारे पास है टी एच आई एस, दिस हो सकता है, ठीक है, दिस, टी एच ए टी दैट होता है, दिस दैट, T H O S E, these हो सकता है, ये जो होते हैं ना ये प्रोनाउन ये कहलाते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ये किसी न किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए प्रोनाउन नाउन की जगह पर लगाए जा रहे होते हैं, नाउन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, इसलिए प्रोनाउन कहलाते हैं। इशारतन जैसे जिस किसी तरफ इशारा इंडिकेट करना, इंडिकेटिव प्रोनाउन भी हम कह सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर वन, सपोज अगर हमारे पास ये सेंटेंस है This is a book. This is a book. अब देखिए इंडिकेट कर रहा है किसी की तरफ। मैं कह सकता हूं This is a marker. तो this is a marker. ये इंडिकेट है, मेरा इसकी तरफ इशारा है, तो इसलिए ये जो होगा this, ये इसका मतलब ये, इसकी मीनिंग होते हैं ये, इशारा किसी की तरफ करने के लिए। करीब की चीज हो, कोई करीब की चीज हो उसकी तरफ इशारा करना है तो फिर हम दिस लगाते हैं और कहते हैं ये, तो उर्दू में से ये कहते हैं, ठीक है, ये एक कलम है, दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन भी कहते हैं, इट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इट भी इशारे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, दिस की जगह इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। अब इसमें जो दिस है ना बेटा, ये है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्यों? क्योंकि ये इस बुक की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब ये एक किताब है, क्या बुक, क्या ये एक बुक है, ये किताब है। तो अब देखिए दिस जो होगा इसमें ये डेमोंस्ट्रेटिव है, वो इशारा कर रहा है किसकी तरफ, बुक की तरफ, गेट इट। नंबर टू, अगर ये कहा जाए, अगर दिस जो होता है, फिर सुन लीजिए दिस की मीनिंग होते हैं ये, ठीक है, करीब की चीजों के लिए, That की मीनिंग होते हैं वो, दूर की चीजों के लिए, ठीक है,
दीज ये होता है ये, लेकिन ये प्लुरल जिसे हम कहते हैं जमा बहुत सारी चीजों उनके लिए, दोज इसके मीनिंग भी वो होते हैं, लेकिन ये जमा के लिए बहुत सारी चीजों के लिए, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिस और दैट, दिस करीब दैट वो दूर के लिए, दोनों सिंगुलर के लिए, ठीक है ना, दीज प्लुरल के लिए, दोज प्लुरल के लिए, वो और ये, समझ लीजिए कि अब यूं देख लीजिए, अगर दिस जो सिंगुलर है तो इसका प्लुरल बनेगा दीज, ठीक है, और अगर दैट सिंगुलर है तो इसका प्लुरल बनेगा TH OSE, दोज, ठीक है, इन दो इसके माने ये, इसके माने वो, ये और वो, सिंगुलर और प्लुरल के लिए, यहां तक सेंस समझ आए। अब इसमें देखिए मैं लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर टू, दैट इज माय बैग, BAG बैग। अब देखिए वो मेरा बैग है, अब वो दूर रखा हुआ है, इशारतन कह रहे हैं दैट इज माय बैग, तो अब ये जो होगा यहां पर जो दैट होगा ये भी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बैग की तरफ इशारा कर रहा है, किसी जगह किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, दैट इज माय बैग, व्हाट दैट भाई वो बैग में रहा, तो अब यहां ये हो गया इसकी मीनिंग वो सिंगुलर के लिए, दिस की मीनिंग ये सिंगुलर के लिए, दिस इज अ बुक दैट इज माय बैग, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट भी यहां पर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नंबर थ्री एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थ्री में यू देख लेते हैं, अगर मैं लिखता हूं दीज TH ES, दीज आर माय पेंस, PENS पेंस, अब देखिए प्लुरल है पेंस, दीज आर माय पेंस, पेन नहीं होगा, दीज आर माय पेन नहीं होगा, दीज आर माय पेंस, अब देखिए जो वर्ड दीज है इसके भी मीनिंग है ये, लेकिन एक चीज कह रहे ना एक से ज्यादा, दीज आर माय पेंस, तो अब ये दीज जो है इंडिकेट कर रहा है किसको, इसको पेंस को, तो दीज के मायने ये हो गए, ये भी करीब की चीज बहुत सारी है, सपोज मैं कहता हूं दिस इज अ पेन सिंगुलर है, दिस इज अ मार्कर सिंगुलर, दीज आर मार्कर्स थ्री है, एक से ज्यादा है इससे दीज आर मार्कर्स, ओके, तो दीज आर, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, इशारा कर रहा है किसी की तरफ, इसलिए ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह हम कहते हैं दोस्त, नंबर फोर TH OSE, दोस्त, दोस्त आर, दोस्त आर योर, दोस्त आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे दोस्त हैं। अब देखो दोज आर योर फ्रेंड्स, वो दूर खड़े हुए, दोज आर योर फ्रेंड्स जब आपने कहा तो इसका मतलब भी आपने इशारा किया, अब वो एक नहीं एक से ज्यादा दूर खड़े हुए, इसलिए दोज आर, ठीक, तो अब यहां पे जो दोज है इसके मीनिंग वो के हैं, लेकिन सिंगुलर के लिए नहीं प्लुरल के लिए, इसलिए हमने क्या लगाया फ्रेंड्स लगाया, फ्रेंड नहीं का, तो अब देखिए ये इससे इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेशंस भी करते हैं इशारा भी करते हैं, इसलिए सब क्या कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डू यू अंडरस्टैंड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, समझ आ रहे हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये इट भी लगा सकते हैं आगे, तो इट्स मार्कर, तो अब भी ये इशारतन है इसके लिए, तो हम इसमें भी कह सकते हैं। अच्छा एक और चीज है, डेमोन्स्ट्रेटिव जिस तरह प्रोनाउन है ना इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, यही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन फंक्शन का फर्क है, इनके फंक्शन में फर्क है। अब देखिए इनको अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अभी देखते हैं, इन्हीं की एग्जांपल्स मैं यहां देता हूं, सपोज ये है, इसी को मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैंने कहा दिस इज अ बुक, ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं TH IS, दिस बुक इज MINE माइन, अब देखिए दिस बुक इज माइन, अब यहां पे जो दिस है ना इसके फौरन बाद हमारे पास नाउन आ रहा है, तो इसका ये डायरेक्टली नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है ये अभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव,
लेकिन अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. गेट इट? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है. अब दिस बुक आपने कहा तो इसका मतलब ये है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको मैं लिखता हूँ डी और ए डी जे, इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी इसके फौरन बाद कोई ना कोई नाउन नाउन को डिफाइन कर रहा है. नंबर टू को देखते हैं, दैट इज माई बैग. आपने कहा दैट बैग, बी ए जी, दैट बैग वॉज torn, T-O-R-N, torn. That bag was torn. वो bag फट गया या फाड़ दिया गया. अब देखिए that bag, bag क्या है? Noun है बेटा, ठीक है. और that यहाँ पर इस bag को demonstrate कर रहा है और noun है, तो इसलिए जो noun को modify करे वो adjective होता है, इसलिए ये भी यहाँ पर demonstrative adjective होगा. अब ये pronoun नहीं होगा. ये देखिए ये प्रोनाउन के फौरन बाद कौन होगा? वर्ब होगा, इसलिए वो प्रोनाउन हो जाएगा. गेट इट? इसी तरह दीज की भी एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें लिखा हुआ है दीज आर माय पेंस. आप कहते हैं दीज पेंस, दीज पी ई एन, पेंस आर एक्सपेंसिव, दीज पेंस आर एक्सपेंसिव. अब देखिए एक्सपेंसिव जब आपने कहा तो इसका मतलब महंगे हो गए. प्रीशियस भी कह सकते हैं. दीज के बाद पेंस प्लूरल है यहां पे भी, लेकिन इसके फौरन बाद नाउन है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है. अब ये दीज होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. फिर मैं इसे लिख रहा हूं डी और ए डी जे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. कहने फर्क देखे, इसमें दीज के फौरन बाद कोई ना कोई वर्ब है, कोई ना कोई वर्ब होगा, कोई ना कोई वर्ब होगा, और ये जो नाउन होगा ये बाद में होगा वर्ब के, नाउन वर्ब के बाद में होगा. आप देख लीजिए यहाँ भी ये जो नाउन है ये वर्ब के बाद है, ये जो नाउन है आप देख लीजिए ये नाउन ये भी वर्ब के बाद है, ये जो है ये भी नाउन वर्ब के बाद है. आप देख रहे हैं इसे जहन में रखिएगा कभी. अब इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा. लास्ट वाले की भी एग्जाम्पल ले लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर. अब देखिए लिखा दीज आर योर फ्रेंड्स, दीज आर योर फ्रेंड्स, दोज आर योर फ्रेंड्स. अब क्या हो जाएगा दोज, टी एच ओ एस ई, दोज में चेंज कर देता, दोज बुक्स, दोज बुक्स वर, दोज बुक्स वर चीप, सी एच ई ए पी, चीप. वो किताबें बड़ी सस्ती थी. अब देखिए वो किताब है, अब बुक्स है यहां पर ये नाउन है और ये जो दोज है यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है. तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है. अब आप देख लीजिए इन दोनों को कि यहां ये जो है प्रोनाउन है सारे ये जितने और ये सारे के सारे एडजेक्टिव है. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ बेटा आपको? Do you understand it? समझ आया? देखिए इसमें इतना मुश्किल नहीं है. ये जो आपको parts of speech में आज जो lecture number 8 आपको बता रहा हूँ वो अभी हम pronoun पे चल रहे हैं, ठीक है ना. तो उस pronoun में हम demonstrative pronoun लेते हैं. तो demonstrative pronoun में मैंने demonstrative adjective भी clear कर दिया है क्योंकि आपके पास ये एम केट, ई केट और डिफरेंट एनटीएस टेस्ट और सीएसएस इनके टेस्ट में इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि वो बात का कहते हैं एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती है, उसके यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आ जाती है. तो इन चीजों का जब तक आपको सही पता नहीं होगा तो आप कैसे करेक्शन करेंगे? गेटिंग? उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे आप तमाम स्टूडेंट्स को. और मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए और मैं बहुत और अच्छे अंदाज से आप लोगों तक इल्म को पहुँचाऊँ. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह. शाद रहिए, आबाद रहिए. अल्लाह हाफिज़.